हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेटअप के बारे में जो हमने कल एनालिसिस में डिस्कस किए थे। साथ के साथ बात करेंगे किस तरीके के सेटअप कल बन रहे हैं। मार्केट ने आज राइट वैसे ही बिहेव किया जैसे उसको करना चाहिए था, वेरी मच एक्सपेक्टेड। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बताई थी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर डबल कंफर्मेशन था हमारे पास। एक जो कंफर्मेशन था वो था हमारे पास कप एंड हैंडल का, और सेकंड फॉर्मेशन था हमारे पास फ्लैग का जो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, और दोनों कैंडल का ब्रेकआउट इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो आज का दिन मैं ग्रीन ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके पास मार्केट को थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए था, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल्स को फॉलो करते हुए रिएक्शन दिया है। फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट रेशो दिखा के दूं तो आज 61% के ऊपर और 68 के नीचे जो हमारी गोल्डन पॉकेट है एग्जैक्टली वहीं पर ही क्लोजिंग दिया था। ये बात मैंने गाइज अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी शेयर किया था आपको, और लेवल्स के हिसाब से जो शेयर किया था मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, 12,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैंने जब सुबह आपको मेंशन किया था गोल्डन लाइन दी थी, और गाइस मैं गोल्डन लाइन जब भी देता हूं अक्सर वो बाकी ट्रेड्स के मुकाबले काफी अच्छी तरीके से निकलती है, और यहाँ पर ये गोल्डन लाइन के टारगेट थे 39,245 और ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। ठीक है, साथ के साथ में कुछ BTS लिए थे वो भी ग्रीन था। इंडसन बैंक का कप एंड हैंडल का टारगेट वो भी अच्छे खासी तरीके से निकल के आया, और लोगों ने काफी अच्छे पैसे बनाए। आप देख सकते हैं लेवल्स को फॉलो करते हुए काफी अच्छे पैसे बनाए। साथ के साथ गाइस मैंने एक चीज लिखी थी कि BNF विल नॉट क्लोज अबव 39,355 टुडे बिकॉज दैट्स द गोल्डन पॉकेट। अगर आप देखेंगे इसकी क्लोजिंग 39,330 के आसपास ही आई है। ठीक है, अगर 200 के नीचे 300 के नीचे आती तो और भी बुलिश होता, पर 330 के आसपास क्लोजिंग आई है विच इज ओके। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। मार्केट खुली पर फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पर हमने बुक करने को बोल दिया था साफ साफ। मार्केट नीचे आई इसी लेवल से, लेवल मैजिकल लेवल का, मार्केट इस पर डांस करती है। हमारा टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पे मैंने बुकिंग के लिए ऑलरेडी बोल दिया था, नीचे आई मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लिया और वापस फिर ऊपर की तरफ गई। और अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये आपको एक और मार्केट एक और बुलिश फ्लैग बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ठीक है, और अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है और उसका टारगेट क्या आता है वो भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इसका टारगेट 39,558 के ऊपर ही आ रहा है। इसका टारगेट आ रहा है 39,600 के आसपास। ठीक है, 39,600 के आसपास टारगेट आ रहा है। लेकिन गाइस मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये टारगेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी के टारगेट हैं वो हैं 39,800, और ये वीडियो एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया है ये है वैलेंटाइन डे का गिफ्ट। सो 14 फरवरी से पहले आपको ये नंबर बैंक निफ्टी देती हुई दिखाई दे रही है। सो इसका इंतजार कीजिएगा, जो लॉन्ग है होल्ड कीजिएगा, मार्केट आपको आपके लेवल्स की तरफ आती हुई दिखाई देगी। निफ्टी की बात करूं निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद पूरा दिन निफ्टी साइडवेज रही है। निफ्टी ने कुछ ज्यादा जोश नहीं दिया। जो लोग कैरी करके गए होंगे उन्होंने काफी अच्छा पैसा जरूर बनाया होगा, लेकिन आपको ये चीज नोटिस करनी कि निफ्टी के अंदर एक गैप यहाँ बाकी है, ठीक है, और दूसरा गैप यहाँ बाकी है। तो दो गैप निफ्टी के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं जो निफ्टी को नीचे की तरफ खींचने के लिए दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ सकती है, बाकायदा आ सकती है, क्योंकि एक गैप ये खाली बचा है और दूसरा गैप ये खाली बचा है। मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के अंदर जा रही है। चलिए, ये तो था हमारा आज का लेवल। देखते हैं कल किस तरीके से बना सकते हैं आप पैसा। मैंने आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताया गाइस कि गोल्डन सेटअप फॉर्मेशन, जी हाँ, निफ्टी एक गोल्डन सेटअप फॉर्मेशन बना रही है कल के लिए, जिसके अंदर वो आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे के जा सकती है, प्रोवाइडेड आपके लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कई बार हमने देखा गया थर्सडे वाले दिन, क्योंकि कल जो है वह है एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन अक्सर ऐसा हुआ है कि ये सेटअप बना है, लेकिन मार्केट अगर मान लो ये हमारा ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन का लेवल है, मार्केट इसी लेवल के बीच में ही पूरा दिन बिता देती है और हमारे लेवल की तरफ नहीं जाती। तो अगर ये होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे क्योंकि निफ्टी ने गोल्डन सेटअप बनाया है। तो निफ्टी के लेवल्स में आपको अलग से दे देता हूँ, ठीक है, निफ्टी के लेवल्स में आपको अलग से दे देता हूँ गाइस। ये है बैंक निफ्टी, निफ्टी के लेवल्स लिख लीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है गाइस, तो निफ्टी के अंदर ये सेटअप बन रहा है और ये है लेवल्स। ये चार्ट मैं शेयर कर लूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के, आपके अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण, वहां से आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा जोन जो है गाइस, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपके लिए। बीच में अगर मार्केट किसी भी टाइम दिन के अंदर आपका ये लेवल के ऊपर 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये दिखाई दे जाए, ठीक है। 17,824 के लेवल को क्रॉस करता है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,872 और आपका फाइनल टारगेट होगा गाइस जो गोल्डन लाइन का है 17,945। यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। लेकिन अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है 17,700 के नीचे, 5 मिनट की कोई भी एक बेरिश कैंडल बनाती है, उसके नीचे आप बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन। और 17,628 आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 17,583 का। तो ये लेवल्स आपके जो है वो निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। निफ्टी के और लेवल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, सेफ ट्रेडर इसी के बीच में खेलेगा। रिस्की ट्रेडर ऑफ कोर्स एक लाइन खींच सकते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है, मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर निफ्टी इसके नीचे निकलती है तो बेरिश हो जाएगी, फर्स्ट टारगेट इसको बना सकते हैं, उसके बाद में इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो एक जोन के अंदर है, ठीक है। ये ठीक है, ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है, इसको डिलीट कर देता हूं। ये निफ्टी एक चैनल को फॉलो कर रहा है, जहां पर भी ये टूटेगा इस चैनल की वेट्स का आपको देगा। तो इस चैनल को आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, और जैसे ही मार्केट इसके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देती है तो आप रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन सेफ ट्रेडर्स के लिए लेवल जो है मैंने आपको बता दिए 17,824, 17,702, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा गाइज, अगर ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का, आपको 5 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना है, ठीक है। और एक चीज आपको और चीज जो ध्यान रखनी है गाइस, एडीएक्स की जो वैल्यू है वो 20 से ज्यादा अगर होती है तो ब्रेकआउट में दम होगा या ब्रेक डाउन में दम होगा। अगर उस समय एडीएक्स की वैल्यू 20 से नीचे चल रही है, सो इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं या कम लॉट्स के साथ में, कम क्वांटिटी के साथ में खेल सकते हैं। एडीएक्स इंडिकेटर आप लगा लीजिएगा और उसको देखते रहिएगा कि एडीएक्स की वैल्यू उस टाइम पे क्या चल रही है, जो कैंडल जिस समय ब्रेकआउट कर रही है उसमें एडीएक्स का वैल्यू क्या चल रहा है। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ में बता रहा हूँ, ताकि मेरे जो लर्निंग चैनल के लोग हैं वो भी सीख सकें। वो इंडिकेटर कैसे यूज करना है आपको, एडीएक्स, इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब आप यूज करेंगे गाइस, इसको थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए एडीएक्स की वैल्यू अभी 5 मिनट के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, 16। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 20 के ऊपर होनी चाहिए। जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब आप उसको प्ले आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा हमारा निफ्टी का सेटअप। बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा, बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेगा गाइस, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे। अब ये जो हमारी जो गोल्डन कलर की लाइन है मैं इसको कर दूंगा ब्लू, इसका काम हो गया है खत्म, ठीक है। इसको आज अचीव होना तो ये हो गया है, लेकिन ये लेवल एट दैट इज वैलिड रहेगा। फ्लैग का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक नो ट्रेडिंग जोन, बहुत छोटी सी, ठीक है, इसको हम बना भी लेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ये एक नो ट्रेडिंग जोन बन गई हमारी, ठीक है। ये पूरी जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन बन गई, इसके ऊपर ही आपको बाय करना है। 39,453 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप 35,562 एक छोटा टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद आप 39,793 आपका दूसरा टारगेट, उसके बाद में मुझे लगता है कि 39,800 के ऊपर जो मेरा टारगेट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, देख लीजिएगा, यहाँ पर एकदम से पोजीशन मत लीजिएगा, 39,800 जो मेरा टारगेट है 793, इसके ऊपर अगर 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाती है तो भाई ये बहुत ही बुलिश हो जाएगी, बहुत तेजी से स्पीड के साथ में 40,189 की तरफ जाएगी। इसके ऊपर का लेवल नहीं दे रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं जा सकती, मतलब कल नहीं जाना चाहिए उसको। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई पोजीशन मत बनाएगा 15 मिनट तक, तो बुलिश होगा, वरना आप 39,800 तक के टारगेट कल के लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे टारगेट एज इट इज रहेंगे, लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। 39,240 के नीचे अगर मार्केट जाती है 39,089 आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपके लिए होगा 38,778, उसके नीचे होगा 38,634 और उसके नीचे आपका टारगेट होगा 38,371। ये आपके नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। ठीक है, ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। साथ के साथ में गाइस कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के टारगेट जो आपको दिए थे उसके बारे में भी बता दूं आपको। कैनरा बैंक गाइस मैंने आपको टारगेट दिया था मार्च एंड से पहले इसको 300 तक का टारगेट जो मैंने आपको बताया था कि कैनरा बैंक कैन रीच 300 बाय लेट्स से मार्च एंड। ठीक है, मार्च एंड, तो ये जब से निकला तब से काफी अच्छा भाग रहा है। इसकी हमने एक 280 की कॉल बाय की थी ₹2 पे, जो आज ₹6.50 तक गई है, ₹7 भी गई है मेरे ख्याल से, तो काफी अच्छा गया। और 5500 का इसका लॉट साइज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं करीब करीब 27 से 30 हज़ार रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर। काफी लोगों ने आज प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। मैं बड़े टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ, पार्शली मैंने इसको बुक किया है। ठीक है, इसके अलावा गाइस एयू बैंक की बात करें तो इसका टारगेट भी मैंने आपको दिया था। ठीक है, फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है 1356 का। सेकंड टारगेट इज 1522 जो आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा फरवरी से एंड से पहले। हालांकि ये टारगेट मैंने आपको मार्च एंड से पहले दिए थे चारों पांचों बैंक्स के, लेकिन ये पहले ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टारगेट आज अचीव हो गया गाइस। हमारी एंट्री थी इसकी 730 के ऊपर। 804 का जो पहला 806 का जो पहला टारगेट था वो आज इसने पूरा कर लिया है। 868 एंड 918 मार्च के जो टारगेट हैं वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन इसकी एंट्री के बाद 679 का जो टारगेट है वो आपको मार्च एंड से पहले यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई देगा। 880 पे बाइंग कराई थी इंडसन बैंक की। इंडसन बैंक काफी अच्छा चल रहा है, इसने आप ब्रेकआउट भी दे दिया है 954 का, विच इज वेरी नाइस। 997, 1037, 1100 तक के टारगेट है गाइस, इसके ऊपर की तरफ काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो उसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। तो गाइस ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, साथ में कुछ स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। वो एक ही मोटिवेशन है, लोग आप वीडियो जरूर देख के चले जाते हैं, लेवल्स लेके चले जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो सारे मेरे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, अटेंडेंस लगाना ना भूलें, इस वीडियो के ऊपर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो देखो यूट्यूब की एल्गोरिथम कैसे समझती है, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो ही वो वीडियो सर्कुलेट होती है, ज्यादा पॉपुलर होती है। सो हेल्प अस ग्रो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। Have a lovely evening, guys, and I'll see you guys in the live market tomorrow. Expiry can be a very good expiry tomorrow. So, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, प्यार बांटते रहिए। We'll see you in the market again. Bye bye.